देखो, लास्ट क्लास में हमने अपने तीन केसेस डिस्कस किए। पहला केस था व्हेन ओरिजिनली शेयर्स वर इशूड एट पार। दूसरा केस था व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड। तीसरा केस था व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। इसको थोड़ा शॉर्ट समराइज में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि एंट्री क्या बनती है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे यहाँ पर, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ये एक बहुत बेसिक एंट्री है मेरी, और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं पास होती मेरी फॉर फीचर के टाइम पर, ठीक है। सिर्फ यही एंट्री पास होनी है बस। इसमें चेंज क्या हो सकता है, आपका जो ये अमाउंट अकाउंट लिखे हैं हमने, इसकी जगह क्या आ सकता है, कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर। ये तब आएगा तब हम कॉल्स इन अरियर लिखते हैं पहले की एंट्रीज में। अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट वहाँ ओपन नहीं कर रहे तो ऐसा कुछ आएगा। एक एक स्पेसिफिकली हम दिखाएंगे। अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसमें अमाउंट आती क्या क्या है, ठीक है। शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ठीक है। जितनी कंपनी ने कॉल्ड अप करी गिरी, मान लो 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने सिर्फ फिलहाल 8 रुपये मंगाया, उसके बाद फॉरफिट कर लिया, तो यहाँ पर 8 रुपये इंटू फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है आपका जो कि SPR हमको नहीं मिला होता अभी, जो कि प्रीमियम हमको रिसीव्ड नहीं हुआ होता हमें, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है वो आता है। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आता है, जितना पैसा जब्त किया उसका, जितना पैसा जब्त किया। इसमें क्या प्रीमियम भी आता है इसके अंदर, तो इसको लिखेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर उसने प्रीमियम किसी कॉल पर, अलॉटमेंट पर, एप्लीकेशन पर पे कर दिया है, प्रीमियम जब्त नहीं करेंगे हम फिलहाल, प्रीमियम लिखेंगे नहीं, जब तो हम अपने पास करके रखेंगे, बट इसमें नहीं लिखेंगे हम प्रीमियम, ठीक है, बात समझ आई। ये अब आती है इनमें अमाउंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये एक मेरी फॉर फीचर की एंट्री होती है। इसके अलावा फॉर फीचर की एंट्री में कुछ नहीं होता। हर क्वेश्चन में देखो सीधा एंट्री लिख डालो सबसे पहले। अमाउंट मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे इसमें फिलआउट करनी होती है हमको। हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर 10 रुपये का शेयर है एक, ठीक है, 2 रुपये एप्लीकेशन पर मंगाए गए हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपये एंड फाइनल कॉल पर। 100 शेयर होल्ड करता था पर्सन, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, यहाँ पर कंपनी ने क्या कर लिए, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। इसकी एंट्री पास करनी है हमें सबसे पहले। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया उसको एंट्री को कॉपी कर लो। शेयर कैपिटल एंट्री बोलते जाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ सेकंड कॉल क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर हमने जब्त कर लिए।
ठीक है। इसमें क्या सिखाया मैंने आपको, क्या आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितने शेयर थे मेरे यहाँ पर, 100 शेयर थे। कॉल्ड अप कितना अमाउंट है यहाँ पे, 2 + 3 + 3 8 रुपये। कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है यहाँ पर, नहीं, तो यहाँ पर नील। शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, जितना पैसा जब्त किया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कितना पैसा जब्त किया मैंने, 2 रुपये जब्त किए इसके 100 शेयर पर, तो 2 × 100। अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यानी 3 × 100। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल 3 × 100। देखो 3 + 3 = 6, 8 पूरी हो गई एंट्री मेरी, यहाँ पर 800 आ रहा है। देखो ये 200 आया, ये 300, ये 300 और ये 800, हो गई एंट्री पूरी। समझ आई एंट्री, कोई दिक्कत इसमें कहीं से कहीं तक? देखो उसको डिटेल में देखना हो, पिछली वाली वीडियो देख लो, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया मैंने, 45 मिनट की वीडियो है वो, देख लेना ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि एक एक अमाउंट क्यों आ रही है और क्या रीज़न है उसका यहाँ पर आने का। ये मैंने फॉर फ्यूचर भी लिखा है यहाँ पर, यहाँ अलॉटमेंट भी लिखा है, तो उसका क्या रीज़न है यहाँ पर कि मैंने इसको क्रेडिट क्यों किया है, ये तक मैंने उसमें डिस्कस किया है आपको, ठीक है। रीज़न पता ही होगा कि क्या है, कि वहाँ पर हमने कम डेबिट किया था, इतने से कम क्रेडिट किया था हमने लास्ट एंट्री में, उस बची हुई अमाउंट से अब मैंने क्रेडिट किया है, ये लॉजिक है उसका पूरा प्रॉपर उस वीडियो में, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लूँगा इसमें, अब इसमें हम प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे अब, ठीक है। बेसिकली मैं सेकंड और थर्ड केस अब एक साथ कवर कर दूंगा कंबाइन करके, जिसमें प्रीमियम रिसीव्ड भी होगा कुछ में रिसीव नहीं होगा। 10 रुपये का शेयर था, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ प्रीमियम, ठीक है यहाँ पर, और 10 रुपये का ही इस पर प्रीमियम था। बात समझ आई? दो रुपये एप्लीकेशन पर थे, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये सेकंड कॉल पर, 5 रुपये एप्लीकेशन पर थे, 2 रुपये अलॉटमेंट पर थे, 2 रुपये सेकंड कॉल पर थे, एंड 1 रुपया सेकंड कॉल पर था, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर थे। ये पूरा हो गया, सेट बन गया हमारा। इसमें भाई हम दोबारा से केस लेते हैं, 100 शेयर्स का एक मालिक था जिसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, ये नहीं दिया, एंड देन उसके कंपनी शेयर कर लेती है फॉरफिट, कंपनी उससे लास्ट कॉल नहीं मांगती यहाँ पर। इस केस में एंट्री क्या होगी, फिर से वही हम अपनी बेस एंट्री लिखेंगे, शेयर कैपिटल, इसको ध्यान से पढ़ना ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और मैं इशू भी ठीक है अभी कवर करने वाला हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये तो एंट्री बिल्कुल रट जाएगी, DNA में चलने लगेगी एंट्री है बिल्कुल, सोते सोते भी कोई पूछेगा कि फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है तो बताने लगोगे कि ये होती है भैया, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल लिखो यहाँ पे, नहीं, टू शेयर सेकंड कॉल इसको नहीं लिखेंगे, 0, ठीक है। अब बताओ मुझे एंट्री में क्या क्या आना चाहिए, शेयर कैपिटल में क्या आता है, चलो वापस से इसको रख लेते हैं यहाँ पर, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 100 × 8, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम रहती है, ठीक है। इसको फिर यहाँ से लिखना चाहो लिख लो, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें भी प्रीमियम नहीं लगाते यहाँ पर हम, तो प्रीमियम नहीं लगाएंगे तो हम कौन से गोलों को देखेंगे, सिर्फ काले पेन को देखेंगे, अगर प्रीमियम की बात नहीं हो रही तो, 2 + 3 + 3 = 8। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, इसको बिल्कुल ऐसे समझना पत्थर की लगी, इसको ऐसे याद कर लेना ठीक है, और बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट समझने की वो लग जाए दिमाग में कि जिद है भाई क्यों आई अमाउंट ये, तो प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ मुझे, कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ मेरे को बताओ, 9। कैसे भाई 9 कैसे बोला आपने, जो नहीं हुआ 5, 6, 7, 8, 9, 5 रिसीव नहीं हुआ मेरे को। अच्छा ये तो सर रिसीव हो गया ना, तो 2 + 2 = 4, यानी 100 शेयर पे 4, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं।
शेयर फॉरफीचर में जितना पैसा जब्त किया मैंने एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, जितना पैसा जब्त किया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, जब्त क्या क्या किया मैंने इसका, ये जब्त किया तो 2 × एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। रीज़न जान लो फिर वहीं से बोलूँगा, प्रीवियस वीडियो पर चले जाना, यहाँ मैं रीज़न नहीं समझाने बैठ रहा पर आपको। शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 100 × 5, यहाँ पर भी 100 × 5, देख लो एंट्री पूरी होगी 8 × 4 = 12, 10 × 2 = 12, होगी नहीं होगी एंट्री पूरी, समझ आई एंट्री, कोई दिक्कत इसमें? बस ये है क्या कहते हैं ना सर, रामबाण, ये है रामबाण, संजीवनी बूटी है ये, इसे याद कर लो कि क्या लिखा है, कैसे अमाउंट आने, कोई क्वेश्चन नहीं अटकने का है फिर, समझ आई पक्का? देखो बताओ कैसे आएगा, 800 यहाँ पर, यहाँ 400 आ गया, यहाँ 200, यहाँ 500 और यहाँ पर 500, 1200 और 1200, मैंने दोनों केस कवर कर दिए इसमें, ठीक है। प्रीमियम रिसीव्ड भी कवर कर दिया, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड भी कवर कर दिया, और पार ये रहा, पार वाला ये रहा, ये रहा पार वाला क्वेश्चन। अब दिखाओ जो टी एस क्रीवाल अपनी,